अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वर्ड्स एंड कॉर्पोरा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉर्पस के। कॉर्पस को डिफाइन करते हैं कंप्यूटर रीडेबल कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और स्पीच। एनएलपी में जब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, कलेक्शन ऑफ स्पीच वॉइसेस की, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, तो उनको जो नाम दिया जाता है वो कॉर्पोरा या कॉर्पस दिया जाता है। तो जब भी आप एनएलपी में ये टर्म देखें कॉर्पस या कॉर्पोरा, कॉर्पोरा इज अ प्लूरल ऑफ कॉर्पस, इट मींस दैट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शन? कंप्यूटर रीडेबल कलेक्शन, सिंपल। जो वेल नोन इंग्लिश में कॉर्पस यूज किए जाते हैं दैट इज ब्राउन कॉर्पस है, इसके तकरीबन 500 रिटन इंग्लिश टेक्स्ट है जो कि डिफरेंट जेनरेस से है, उसमें न्यूज़पेपर्स हैं, फिक्शन हैं, नॉन फिक्शन हैं एंड सो ऑन। सो अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि जब भी हम कॉर्पस की बात कर रहे हैं या कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट की बात कर रहे हैं या स्पीच की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ स्टेटिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि उसमें अगर मैं वॉइस की बात करता हूँ तो कितने नंबर ऑफ अटेंसेज हैं, अगर मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, सो या कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेज हैं, हाउ मेनी वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अगर आप इस सेंटेंस को देखें और आपसे ये कहा जाए कि ज़रा काउंट कीजिए कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो आप काउंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो आप कहेंगे ये 13 वर्ड्स हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये राइज होगा कि अच्छा ये जो कोमा और फुल स्टॉप है इसको भी वर्ड कंसीडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं। समटाइम्स ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते, और डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, और समटाइम्स पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप ये बड़े यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये लेटर स्टेजेस पे जब हम चंकिंग पढ़ेंगे, पार्सिंग पढ़ेंगे, तो आप और डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा, या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन पर्टिकुलर सिचुएशन में पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कंसिडर किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, और किन सिचुएशन में इनको काउंट नहीं किया जाता। सो अगर आप पंक्चुएशन को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल 13 वर्ड्स हैं, अदरवाइज उनको इंक्लूड कर लेंगे तो 15 वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अब थोड़ा सा चीज़ें कम्प्लेक्स करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आप बताइए और काउंट कीजिए कि कितने वर्ड हैं इसमें। वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए। गुड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा ये जो कैट है और जो कैट्स है इसको क्या सेम वर्ड कंसिडर होना चाहिए या डिफरेंट वर्ड ट्रीट होने चाहिए। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम हैंडल करते हैं लेमा से। लेमा को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि सेम स्टेम पार्ट ऑफ स्पीच रफली सेम वर्ड की सेंस। अब वो तमाम के तमाम वर्ड्स जिस तरह कैट और कैट्स, इनकी जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड ये डिराइव हुए हैं कैट से, CAT, तो इट मींस कैट और कैट्स का जो लेमा है वो है कैट, और ये दोनों सेम लेमा शेयर कर रहे हैं। सो जो लेमा है आमतौर पर, या रूट वर्ड जो आमतौर पर डिफाइन किया जाता है वो ये कि उस वर्ड का जो बेस वर्ड है। सिमिलरली अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ बुक और बुकिंग, सो बुकिंग का जो रूट वर्ड है दैट इज बुक। सिमिलरली बुक्ड का जो रूट वर्ड है दैट इज बुक। सो ये जो रूट वर्ड हैं, जो बेस वर्ड हैं या जो डिक्शनरी एंट्रीज हैं, उनको हम लेमा कहते हैं। अब जब आपने अपने कॉर्पस का वर्ड्स का काउंट कंसीडर करने, तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो वाले वर्ड्स काउंट करें जो कि यूनिक लेमाज आ रहे हैं। जब आप इनको यूनिक लेमाज कंसीडर करेंगे तो आप ये कैट और ये कैट कैट्स जो है आप इनको वन कंसीडर करेंगे। सो एक और जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वर्ड फॉर्म, द फुल इन्फ्लेक्टेड सरफेस फॉर्म। कैट एंड कैट्स आर डिफरेंट वर्ड फॉर्म। सो अगर मैं इस सेंटेंस की, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करूं, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड फॉर्म, तो मैं इसको और इसको दोनों को काउंट करूंगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट वर्ड फॉर्म्स हैं। सो अगर मुझे इसका काउंट देना है थ्रू वर्ड फॉर्म, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो दोनों कंसिडर होंगे। और अगर मुझे इसको आंसर करना है कि इसमें कितने यूनिक लेमा थे, यूनिक लेमा, तो देन मुझे इसको इस कैट और इस कैट को एक इंच काउंट करना है। सो ये डिपेंड करता है कि आप अपने कॉर्पस की जो स्टेटिस्टिक्स हैं या इंफॉर्मेशन हैं वो किस तरह शेयर कर रहे हैं, कितनी डिटेल तक प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और अदर चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप इस सेंटेंस को देखें और आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितने वर्ड्स हैं, दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हूँ, एक यूनिक वर्ड्स कितने और एक टोटल वर्ड्स कितने, ये दो इंफॉर्मेशन। तो पॉज करके जरा बताइए क्या है। गुड, अब आप देखें कि आपके माइंड में होगा कि अब यहाँ पे जो दी है ये टू टाइम्स आ रहा है, फिर क्या जो सैन फ्रांसिस्को है इसको वन वर्ड ट्रीट होना चाहिए या ये टू वर्ड्स है। सो ये वो क्वेश्चंस हैं या ये वो डिसीजंस हैं या ये वो काउंट हैं, ये डिपेंड करते हैं आप किस तरह की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। सो अगर आपने यूनिक वर्ड्स फाइंड करने, एलिमेंट ऑफ द वोकैबुलरी, उसको हम आमतौर पर वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं वोकैबुलरी से, उसको हम टाइप भी कहते हैं, और टोकन्स जो हैं जिनको हम से रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंस ऑफ टाइप इज द रनिंग टेस्ट, यानी जो टोटल वर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे अब टोकन्स की बात करता हूँ, टोकन्स का मतलब है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं, यूनिक वर्ड्स नहीं, तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप इसको एक कंसिडर करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर आपने इसको एक कंसिडर किया, अगर आप इसको दो कंसिडर करेंगे तो आपके पास 14 या 15 आंसर आ रहा होगा। सो जो टोकन्स हैं वो आमतौर पर टोटल वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वोकैबुलरी है वो है कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं। अगर आप इसमें डिस्टिंक्ट वर्ड्स देखें तो देन आप ये जो टी और ये टी इसको आप वन काउंट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दे, देन उसके बाद ले, बैक, ऑन, दी, देन सैन फ्रांसिस्को को आप अगर एक वर्ड कंसिडर करते हैं या दो वर्ड कंसिडर करते हैं, उसी लिहाज से आपके पास सीन चेंज हो जाएगा। सो आपके पास जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप जो अपनी एप्लीकेशन डिफाइन कर रहे हैं उसके लिहाज से आपने ये स्टेटिस्टिक्स शेयर करने होते हैं कि उसमें टू वर्ड या मल्टी वर्ड टोकन कितने थे, सिंगल वर्ड टोकन कितने थे, लेमा कितना था, इस तरह की इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होती। सो एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टोकन्स को आमतौर पे, वी वोकैबुलरी साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक बड़ा स्टैंडर्ड हीप्स ला है या हर्डन्स ला है जो कि ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आपका वोकैब जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो बढ़ते जाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती जा रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि किसी भी लैंग्वेज की जो यूनिक वर्ड्स हैं वो कैसे बढ़ सकते हैं। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल जो मैं शेयर किया करता हूँ कि जब आपके पास फैक्स मशीन नहीं थी तो उस वक्त आपके पास फैक्स या फैक्सिंग के वर्ड्स नहीं आते थे। सिमिलरली जब तक आपके पास व्हाट्सएप नहीं आया था तो आपके पास व्हाट्सएप से रिलेटेड वोकैबुलरी कि मुझे इमेज व्हाट्सएप कर दें या डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दें, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज नहीं आई थी, मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ। सो विद द पैसिव ऑफ टाइम लैंग्वेज में नई नई वोकैबुलरी ऐड होती जाती है, और जब वोकैबुलरी ऐड हो रही है तो उसके अगेंस्ट जो ओवरऑल टेक्स्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो आमतौर पर ये एक रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है टेक्स्ट में और के यूनिक यानी वोकैबुलरी और टोटल नंबर ऑफ टोकन्स में, आमतौर पर इस तरह का रिलेशन है।
जस्ट शेयर पर्पज के लिए, और ये कुछ स्टैंडर्ड आपसे कॉर्पस शेयर किए जा रहे हैं। स्विच बोर्ड फोन कन्वर्सेशन कॉर्पस है जिसमें टोटल 2.4 मिलियन टोकन्स हैं, और जो यूनिक वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वो 20,000 है। ऑब्वियसली जो वोकैबुलरी है वो आमतौर पर मच मच लेस होती है टोटल नंबर ऑफ टोकन्स। शेक्सपियर में जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो 8,84,000 है और यूनिक वोकैबुलरी 31,000 है। कोका का डाटा सेट है उसमें 440 मिलियन है। एनग्राम्स गूगल के हैं, उसका भी वोकैबुलरी साइज और यूनिक टोकन्स ये इंफॉर्मेशन है। जब आप अपना कोई कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं या किसी कॉर्पस पे एनालिसिस कर रहे हैं, कोई एनएलपी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह की स्टैट्स हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। सो जब हम कॉर्पस की बात कर रहे हैं तो असल में जो कॉर्पस है वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होता है, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक राइटर होता है, किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो कॉर्पस जनरेट किया जाता है। उसमें कोई ना कोई वैरायटी होती है कि कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, शोबिज से रिलेटेड है, किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, सराइकी, और किसी ना किसी पर्पस के लिए। सो कॉर्पस जब भी हमारे पास है तो उसकी डिफरेंट मोटिवेशन हैं आमतौर पर, ये वो कुछ लिस्ट डाउन है। जब आप कॉर्पस को एनालाइज कर रहे हैं और या आपको अपना कोई कॉर्पस डिफाइन करने या आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉर्पस फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट वैराइटीज नजर आएंगी। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन 7097 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड है, और उसमें बेशुमार वैराइटी एग्जिस्ट करती है, और स्पेशली जब से सोशल मीडिया आया तो वहाँ पे लैंग्वेज की जो वेरिएशन है वो और ज़्यादा आ गई है। फिर एक और जो आजकल प्रॉब्लम है वो है कोड स्विचिंग। जिस तरह हम लिखते हैं कि ना दोस्त था और रहेगा, डोंट वरी। सो अब हमने ये है कोड स्विचिंग कि जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक ही सेंटेंस में यूज़ करें, पहली है स्पेनिश इंग्लिश, एक ही सेंटेंस में स्पेनिश और इंग्लिश यूज़ हुई है, दूसरी वाले में आप हिंदी इंग्लिश कह लें या उर्दू इंग्लिश कह लें, उर्दू और इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश यूज़ हुई है, सो डेटा सेट में इस तरह की वैरायटी भी आपको नज़र आती है कोड स्विचिंग। और कीप इन माइंड कि अगर आप उर्दू के लिए या रोमन उर्दू के लिए एक सेंटीमेंट एनालिसिस सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं और उसमें इस तरह का कोड स्विचिंग का प्रॉब्लम है कि बहुत से रिव्यूज़ ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश और रोमन उर्दू और इंग्लिश हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना चैलेंजिंग है। सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, टॉपिक मॉडलिंग हो गया, जो भी आप एनएलपी का टास्क परफॉर्म करना चाहें, कोड स्विचिंग इट्सेल्फ अपने साथ काफ़ी चैलेंजेस ला रही है। फिर जब हम कॉर्पस की बात करें तो उसके अपने जॉनरेस हैं कि वो फिक्शन से रिलेटेड है, आर्टिकल साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, विकिपीडिया है, फिर जो कॉर्पस जनरेट कर रहा है उसके जो राइटर्स है उसकी क्या एज है, जेंडर क्या है, एंड सो ऑन। सो ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आमतौर पे हम गैदर कर रहे होते हैं जब भी हम किसी कॉर्पस पे एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप रिसोर्स रिच लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डेटा यूजली टैग हुआ हुआ मिल जाता है, लेबल्ड मिल जाता है। जब आप रिसोर्स पुअर लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, हिंदी पे करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क एनएलपी टास्क परफॉर्म करने के लिए डेटा सेट लेबल्ड नहीं मिलते। सो ये जो कॉर्पस डेटा शीट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि अगर आप अपने रिसर्च टॉपिक को ऐसा सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको खुद से डेटा क्रिएट करना है, चाहे वो रिसोर्स रिच लैंग्वेजेस के लिए हो चाहे वो रिसोर्स पुअर लैंग्वेजेस के लिए हो, तो आपको अपने रिसर्च पेपर में, अपने आर्टिकल में, अपने जो आप अगर कमर्शियल पर्पज के लिए कह रहे हैं तो उसमें आपको इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखना है एट द टाइम ऑफ डेटा सेट क्रिएशन या कॉर्पस क्रिएशन। फर्स्ट वन इज मोटिवेशन, व्हाई वाज द कॉर्पस कलेक्टेड, बाय हूम एंड हू फंडेड इट। ये 3 से 4 चीज़ें आपने मस्ट मेंशन करनी, क्या वो फंडेड प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से आपने किया, किसने किया, कब किया, क्या रीज़न थी, देन सिचुएशन।
when and in what situation was the text written or spoken, कि वो किस सिचुएशन में टेक्स्ट बोला गया. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टास्क, कि क्या वो कोई केगल का कंपटीशन था, कोई कॉन्फ्रेंस था, या कोई हमारे पास सोशल मीडिया कम्युनिकेशन थी, कोई डायलॉग था, किस सिचुएशन से वो कॉर्पस जनरेट किया गया. लैंग्वेज वैरायटी, उसमें लैंग्वेज की वैरायटी किस हद तक कैप्चर हो रही है, क्या उसमें डिफरेंट डायलैक्ट्स कवर हो रही हैं नहीं हो रहे. फिर स्पीकर्स डेमोग्राफिक, जो टेक्स्ट बोल रहे हैं, अगर मैं स्पीच की बात करूं या अगर वो टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उनकी डिफरेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या थी या क्या हैं, उनको भी आपको कैप्चर करना है. जिस तरह अगर आप उर्दू के लिए स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे कि आप कहेंगे कि अच्छा, हमने जो स्पीकर लिए वो पंजाब से भी लिए, सिंध से भी लिए, फिर केपीके से लिए, बलूचिस्तान से लिए, फिर उनका जेंडर क्या था, उनकी एज ग्रुप क्या थी. सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आप अपना कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप साथ स्टोर करते जा रहे हैं. नेक्स्ट है कलेक्शन प्रोसेस, कि डेटा गैदर कैसे किया गया, हाउ बिग इज द डेटा, और क्या उसके लिए सैंपल को यूज किए गए, एंड सो ऑन. नेक्स्ट, वाज द डेटा कलेक्टेड विद द कंसेंट, अगर आप ये डेटा यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उनसे कंसेंट ली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जो प्राइवेसीज हैं वो अफेक्ट हो रही हैं. हाउ वाज द डेटा प्री प्रोसेस्ड, व्हाट मेटाडेटा इज अवेलेबल. फिर एनोटेशन प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब आपने डेटा मैनुअली लेबल करना स्टार्ट किया, लेबल करना या टैग करना स्टार्ट किया, तो आपने एनोटेशन गाइडलाइंस, एनोटेशन जो गाइडलाइंस हैं वो कैसे डिफाइन की, उनको कैसे मैच्योर किया, देन आपने कितने यूजर्स को वो डेटा दिया इनिशियली उन गाइडलाइंस की बेस पे कि वो टैग करें. आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे हम 3 एनोटेटर्स, अगर मैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और पर्टिकुलरली सेंटीमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, और अगर मुझे अपना कोई कॉर्पस जनरेट करना है, तो 3 एनोटेटर्स यूज किए जाते हैं. आउट ऑफ 3, 2 एनोटेटर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं और कुछ डेटा सेट दे दिया जाता है कि वो उस डेटा सेट को मैनुअली टैग करें, कि इसके सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज गाइडलाइंस, और देन उसकी बेस पे कंप्यूट करते हैं इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट, इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट, और उसकी बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि जो गाइडलाइंस थी वो कितनी मैच्योर हैं. अगर इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट आ रहा है अराउंड 80 और अराउंड 90, तो इट मींस एनोटेशन गाइडलाइंस मैच्योर हैं, और देन ये दोनों एनोटेटर्स इंडिपेंडेंटली एनोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर ये एनोटेशन इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट बहुत कम आता है, 0.5 आता है, तो इट मींस अब हमें अपनी गाइडलाइंस को मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो दोबारा से उसकी बेस पे गाइडलाइंस को इम्प्रूव किया जाता है, दोबारा से कुछ डेटा सेट उन एनोटेटर्स को दिए जाता है, और वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आइटरेटिवली ये अपनी गाइडलाइंस को इम्प्रूव करते हैं, उस वक्त तक जब तक कि आपके पास एनोटेटर्स का एग्रीमेंट अच्छा ना आ जाए. और ये जो थर्ड एनोटेटर है, ये आमतौर पर उन इश्यूज या उन कन्फ्यूजन पॉइंट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, उन सिचुएशन में यूज होता है जहाँ पे अगर किसी एक एनोटेटर ने एक इनपुट को पॉजिटिव कह दिया और दूसरे ने नेगेटिव कह दिया, देन थर्ड एनोटेटर इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं. लास्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या वहाँ पे कोई कॉपीराइट है या नहीं है, कोई आईपीस का इश्यूज तो नहीं है. सो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं. एक बार दोबारा देखिए, जब भी आप अपना कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको अपने रिसर्च पेपर में या कमर्शियल केस में, अगर आप कमर्शियली को डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इन तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करना है. अदरवाइज डाटा हो सकता है कि आप टैग कर लें, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का ना हो. सो फॉर क्रिएशन ऑफ गुड क्वालिटी डाटा,
आपको मोटिवेशन, सिचुएशन, लैंग्वेज वैरायटी, स्पीकर डेमोग्राफिक, कलेक्शन प्रोसेस, एनोटेशन और सबसे इम्पोर्टेंट एनोटेशन प्रोसेस जिसमें एनोटेशन गाइडलाइंस होती हैं, उन तमाम चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और तभी आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का डाटा आ सकता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।